SBI ग्राहकों के लिए आवश्यक सूचना, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो रुक जाएंगे काम। SBI ने अपने ग्राहकों की सुविधा और उनकी सुरक्षा के लिए कई नियम बनाए हैं। हाल ही में OTP जैसी सुविधा भी लागू की। अब SBI एक बार फिर बड़ा बदलाव करने जा रहा है। दरअसल अब बैंक ने सभी मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए भी OTP को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही बैंक ने ईमेल पर OTP सर्विस को बंद कर दिया है। इसके लिए बैंक ने अपने ग्राहकों को सलाह दी है कि वो अपना फोन इस्तेमाल में लाएं और वन टाइम पासवर्ड को यूज करें, यानी कि OTP के साथ साथ SMS अलर्ट्स के लिए मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से रजिस्टर कराएं। यहां जाने कैसे आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। यदि आप SBI ग्राहक हैं और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप SBI की ब्रांच जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं या फिर ATM में जाकर आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि ATM से मोबाइल नंबर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले ATM में अपना कार्ड स्वाइप करें, फिर मेन्यू में रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाएं। इसके बाद अपना पिन नंबर दर्ज करें जो भी आपका कार्ड है और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आप जो नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं आपको यहाँ वो नंबर डालना है। नंबर एक बार जांच लें, फिर करेक्ट ऑप्शन पर सेलेक्ट करें। आपको अपना मोबाइल नंबर दोबारा दर्ज करना होगा, फिर से करेक्ट ऑप्शन को चुनना होगा। अब आपको स्क्रीन पर थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योर मोबाइल नंबर विद अस मैसेज दिखेगा। अगले 3 दिनों में आपको कॉन्टैक्ट सेंटर से कॉल आएगी। साथ ही आपको मोबाइल पर रेफरेंस नंबर का SMS भेजा जाएगा। जरूरी बातें, जब आपके पास कॉल सेंटर से कॉल आए तो उससे रेफरेंस नंबर मांगे, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए आवश्यक है। रेफरेंस नंबर मैच होने पर ही कॉल चालू रखें। इसके बाद पर्सनल डिटेल वेरीफाई कराएं, फिर बैंक खाते से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा। बैंक आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भी भेजेगा। तो इस तरह से आप अपना SBI अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। यदि आप ATM की मदद से नंबर रजिस्टर नहीं करवाना चाहते तो आप SBI की ब्रांच जाकर ये काम करवा सकते हैं। PM किसान योजना में मिलने वाली राशि यदि आपको नहीं मिली तो आप एक फोन पर शिकायत करें। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को PM किसान योजना की 7वीं किश्त जारी कर दी है। PM किसान योजना के जो लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में इस योजना की 7वीं किश्त के 2,000 रूपए पहुँच गए हैं। बता दें कि करीब 9 करोड़ किसानों को PM किसान योजना की 7वीं किश्त का पैसा मिला। यदि कोई ऐसा लाभार्थी है जिसको इस किश्त का पैसा नहीं मिला तो वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, वो भी टोल फ्री नंबर पर। चलिए जानते हैं कैसे करें शिकायत। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस किश्त का पैसा सभी किसानों को नहीं मिला। इसकी वजह ये है कि बहुत से किसानों के नाम पुराने लिस्ट में शामिल थे लेकिन नई लिस्ट में उनका नाम नहीं है। यदि आप भी उन्हीं में से एक हैं तो परेशान ना हों, बस आपको इस नंबर पर कॉल करना है और अपनी शिकायत दर्ज करानी है। आप सीधे कृषि मंत्रालय में भी शिकायत कर सकते हैं। कृषि मंत्रालय के आप यहां सभी नंबर देख सकते हैं। PM किसान टोल फ्री नंबर, PM किसान हेल्पलाइन नंबर, PM किसान लैंडलाइन नंबर, PM किसान की नई हेल्पलाइन, PM किसान की एक और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप PM किसान की ईमेल ID पर भी मेल कर सकते हैं। ईमेल ID ऐसे जाने लिस्ट में नाम। सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं, फिर होम पेज पर मेन्यू में देखें और फॉर्मर कॉर्नर में जाएं। यहां आप लाभार्थी सूची देखेंगे, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गांव की डिटेल देनी होगी। इसके बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें। अब आप अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं। आप इसकी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PM किसान योजना से जुड़े सभी टोल फ्री नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट लिंक आदि प्रोवाइड की गई है। आप ये सभी जानकारियां डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। 2021 में 63,000 रूपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है सोना। नए साल में बढ़ेगी सोने की चमक। बात अगर सुरक्षित निवेश की जाए तो सोना सदैव ही अनिश्चित समय से सुरक्षित माना जाता है। इसी कारण कोरोना जैसी महामारी में भी सोना नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। INS की खबर के अनुसार हर हालत में अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और नए प्रोत्साहन उपायों की उम्मीद के बीच 2021 में भी सोना 63,000 रूपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने का अनुमान विशेषज्ञों ने लगाया है। वैश्विक मौद्रिक नीतियों में तेज बदलाव के तहत 2019 के बीच साल में कम ब्याज दर और जबरदस्त तरलता का दौर शुरू हुआ, जिसने सोने की कीमत को बढ़ावा दिया और निवेशकों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित होता गया। 2020 के अगस्त में सोने की कीमत MCX पर 56,191 रूपए प्रति 10 ग्राम और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $2,075 प्रति औंस तक पहुंच गई थी। ओके क्रेडिट, आपके बिजनेस का सच्चा साथी।